कल तुमको बोला था ना बाल कटवाने का, छट का बोदाम क्यों खुला है? यहाँ स्कूल है कि क्या है सर? ये तो फैशन है। फैशन है, फैशन घर पे करने का, स्कूल पे नहीं। ठीक है, कल बाल कटवा के आने का। ठीक है सर, कटवा। ओके ठीक है, नाम प्रेजेंट कर लेता हूँ। वन प्लस सर, वीवो सर, आईफोन सर, चाइना सर, ओप्पो सर, जियो सर, एम आई सर। अरे बहुत अच्छा अच्छा भाई। ठीक है ओके। तुम उठो, तुम बताओ स्कूल क्या है? स्कूल वो जगह है जहाँ हमारे पापा को लूटा जाता है, हमें कूटा जाता है। चुप 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 चुप। बेटा अभी तुम बताओ, उठो तुम। नदी से नींबू के पेड़ से नींबू कैसे तोड़ोगे? चुतिया बनाकर। किसको चुतिया बनाओगे? जो नदी पे पेड़ लगाएगा। भाई बहुत होशियार है, चुप चुप बैठो। तुम उठो, तुम कल स्कूल क्यों ना आया? गिर गया था, लग गया। कहाँ गिरा, कहाँ लगे? बिस्तर पे गिर गया, आंख लग गए। तुम उठो, तुम बताओ। एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ अक्कल, तुम क्या चुनोगे? पैसा। पागल, मैं होता तो अक्कल चुनता। आप सही कह रहे हैं सर, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वही चुनती है। तुम उठो, तुम बताओ। जिसको कुछ सुनाई नहीं देता उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर जो मर्जी कह दो उसको तो सुनाई नहीं देता। क्या ज्यादा सुना जा रहा है? तुम उठो तुम। बेटा अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो ना तो जरूर सफल होती है। रहने तो सर, अगर ऐसा होता तो आप मेरे सर नहीं ससुर होते। सुबह तुम बैठो, जरा मुर्गा बनो, 10 मिनट तक मुर्गा बन करो, ऐसे ही रहो। तुमको भी बनाओ ना, हंसी आ रहा है। सुबह ऐसा ही होना चाहिए। बेटा तुम उठो, अगर कोई अपने बात दूसरे को समझा ना सके तो सबसे बड़ा बेवकूफ है। सर जी क्या मतलब? मैं समझा नहीं। उल्लू बनाए मुझे। बैठो, सर पैर दुख रहा है। चलो ठीक है, छोड़ दो। आज के लिए इतना ही, छुट्टी अभी तुम लोग जाओ, कल टाइम पे आ जाना। ठीक है? ठीक है। ओके भाई, ठीक से पढ़ा करके आना सब। ठीक है? ठीक है सर। ओके।